खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने कवानीन में तरामीम के नतीजे में आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस नैब को वापस भिजवा दिए। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और दीगर मुलजिमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस पर समाअत एहतसाब अदालत में हुई, जहां अदालत ने चार रेफरेंसेज नैब को वापस भिजवा दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। समाअत में आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक और नैब प्रोसिक्यूटर्स अदालत पेश हुए। फारूक नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब कानून में तरमीम के बाद ये रेफरेंसेज अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं, एहतसाब अदालत रेफरेंसेज पर ट्रायल नहीं चला सकती। अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिए। अलावा अजी मंजूर कादिर और दीगर मुलजिमान के खिलाफ प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिए, जबकि बिलाल शेख और दीगर मुलजिमान के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस भी वापस भिजवा दिया। इसके अलावा पिन क्रेडिटनेसी रेफरेंस भी नैब को वापस भिजवा दिया गया।